गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज आरके सिंह। ठीक है, आज हम बात करेंगे कुछ अलग टॉपिक जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल। क्या नाम है? कम्युनिकेशन स्किल। यू नो वेल, कम्युनिकेशन का मतलब इंट्रैक्शन। कम्युनिकेशन का मतलब इंट्रैक्शन, हाउ टू इंट्रैक्ट विद अदर, योर फ्रेंड्स, रिलेटिव एंड सो ऑन। फॉर इंट्रैक्शन, यू नो वेल, इंट्रैक्शन इज सच अ वे टू मेक अंडरस्टैंड बिफोर योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव एंड सो ऑन एंड अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग, दैट्स कॉल्ड कम्युनिकेशन। ओके, इट मीन्स यू कैन से शॉर्टली, यू कैन शॉर्टली से दैट कम्युनिकेशन मीन्स, इसको हम अगर शॉर्टकट में अगर कहना चाहें तो मीन्स ऑफ इंट्रैक्शन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? Means of interactions. Means of interaction means communication skill. बातचीत करने का जो भी साधन है वह सारे साधन क्या है? Communication skill है। Communication skill का मतलब ऐसा नहीं कि हमारा क्या सिर्फ speaking करेंगे तो साधन होगा, नहीं, बहुत सारे साधन है। Verbal है, non-verbal है, written है, oral है, visual है, many communication skills. How to interact, it depends on you, and how to receive message, it depends on you. आप पर निर्भर करता है कि हम कैसे understand करें और कैसे make understand करें। दो word है आपको याद करना communication skill में, अपनी बात समझना, सॉरी समझाना, और दूसरों की बात को समझना, मतलब sender और receiver के बीच में जो messaging होगा, जो process होगा। You know well guys, as computer language इनपुट हम डालते हैं बाय द हेल्प ऑफ कीज और बाय द हेल्प ऑफ द माउस। हम जैसे ही हम इनपुट डालेंगे तो दैट इज मैसेज, ओके, एंड गो ऑन कोडिंग, डिकोडिंग और विद प्रोसेसिंग। तो वह प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद इनपुट देगा, रिजल्ट देगा, वह रिसीवर के पास जाएगा। उसके बाद रिसीवर के पास क्या है? वह फीडबैक देगा। तो वह अलग पार्ट हो गया, मैं उस अलग में चलूंगा। तो मीन्स ऑफ इंट्रैक्शन को हम लोग क्या कह सकते हैं? कम्युनिकेशन स्किल कह सकते हैं, या हम यह कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है जिससे हम अपने फीलिंग को शेयर करते हैं, अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, अपने ओपिनियन को शेयर करते हैं। मतलब क्या कि शेयरिंग a message, sharing a message is the part, is the communication skill, you can say shortly also, okay? तो message share करना communication skill है। अब message sharing लिख के कर सकते हैं, हम letter किसी के पास देते हैं, वो written communication है, वो भी communication ही है। हम लोग बोल के करते हैं, वह भी कम्युनिकेशन है। हम लोग बोल के नहीं करेंगे, रिटेन नहीं करेंगे, मतलब हम इशारों से, नैनो नैनो से हम बात करेंगे तो भी हमारा क्या है? कम्युनिकेशन ही है। ठीक है, नैनो से नैनो चार हो गया, बोलते हैं ना, तो इट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो यू नो, यू शेयर योर कम्युनिकेशन इन वेरियस टाइप्स ऑफ और विथ वेरियस वेज, यू कैन से। तो क्या है और क्या है? कम्युनिकेशन इज अ स्किल, इज अ डायनेमिक प्रोसेस। यू नो वेल, डायनेमिक मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स का वर्ड है। डायनेमिक मतलब इन फोर्स, जिसमें फोर्स हो उसको डायनेमिक बोलेंगे। तो फोर्स जिसमें होगा वह डायनेमिक होगा। हम बोलेंगे तो फोर्स है कि नहीं है? हम बोलेंगे आपके पास आएगा, आप बोलोगे मेरे पास आएगा, सेंडर रिसीवर, रिसीवर सेंडर, है ना। तो आपको इस तरह का प्रोसेस जो है वह सब कम्युनिकेशन स्किल है। थ्रो कैसे जाता है? दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस से, थ्रो दिस प्रोसेस मतलब इस प्रोसेस से वी कन्वे एन आइडियाज। कन्वे का मतलब हम सेंड कह सकते हैं, कन्वे का मतलब हम इजी वर्ड में सेंड कर सकते हैं। सेंड एन आइडियाज, फीलिंग और थॉट टू समवन एल्स, किसी और के पास अपने फीलिंग को, आइडियाज को, थॉट को हम पहुंचाने का काम करते हैं, वह सब क्या है? वह कम्युनिकेशन स्किल है। ठीक है गाइस, तो आपको क्या है? नाउ यू टॉक अबाउट कम्युनिकेशन इज अ सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ
कम्युनिकेशन जो है वो अलग अलग एक्सपीरियंस के है, वो क्या है, हियरिंग है गाइस। हियरिंग मतलब क्या, जब हम सुनेंगे वह क्या है, कम्युनिकेशन का ही सीरीज है। वह स्मेलिंग है, जैसे हम किसी चीज का स्मेल लेते हैं वो अच्छा स्मेल नहीं होता है तो हम लोग बोलते हैं तो वो भी एक कम्युनिकेशन ही है। टेस्टिंग, जब हम टेस्ट करते हैं, वह टेस्ट नहीं मतलब किसी की जांच वाली, यह टेस्ट स्वाद वाली, ठीक है, वह टेस्ट होता है TST, यह टेस्ट का मतलब स्वाद वाली टेस्ट, ठीक है गाइस। तो ये जो टेस्ट है मतलब टेस्टिंग, मतलब स्वाद को भी हम चखते हैं तो अपने फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, अपना एक्सप्रेशन देते हैं, एक्सपीरियंस कहते हैं कि कैसा टेस्ट है इस चीज का, कैसा टेस्ट था उस चीज का, कैसा टेस्ट था डेट का, कैसा था डेट का, दिस वन डेट वन, ऐसा चलता है। सीइंग है, हम देख के किसी बहुत खूबसूरत आदमी को देखते हैं, हीरो हीरोइन यानी सो वन, तो हम लोग एक्सपीरियंस बताते हैं कि कैसा उसका फेस है, कैसा उसका बॉडी लैंग्वेज है, एंड सो वन। उसके बाद टचिंग, हम किसी को छूते हैं, यू नो वेल गाइस कि हमारे पास 3 नेत्र होते हैं, हमारे पास कितने नेत्र होते हैं, 3 नेत्र होते हैं, लेकिन आईज जो हमारा है वह सेप का काम करता है कि ऐसा सेप होगा, 2 हाथ वाला, 2 पैर वाला, तो मानव होगा, मानव में मेल और फीमेल होगा, फीमेल का भी पहचान है, तो उसके अनुसार हमारा आईज क्या करता है, सेप को कलेक्ट करता है, वह रेटिना के पास भेजता है और वह क्या करता है, वह माइंड के पास जाता है और माइंड और दिल का कनेक्शन होता है तो बताता है, क्या बताता है, यह मानव है, यह जानवर है, यह फैन है, यह बल्ब है और यह टीचर है या जो भी है, वह क्या है, सेंस देता है कि जो पढ़ा रहे वह टीचर है, वह जो भी पढ़ाएगा, घर का आदमी, बाहर का आदमी, वह सब टीचर हो जाएगा। तो वह हमारा दिल और दिमाग जो हमारा है कनेक्शन होता है, जैसे बोला जाता है भोले बाबा के बारे में, क्या बोला जाता है कि उनके पास 3 नेत्र है, हमारे पास भी 3 नेत्र है, तो वह क्यों बोला जाता है कि जब आप मन जो हमारा है ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्या है, वह नेत्र का ही काम करता है, दिल भी हमारा नेत्र का ही काम करता है, हमारे पास 3 नेत्र होते हैं, मन, आईज जो हमारा सेफ काम करता है, मन जो किसी चीज के बारे में हमको क्या करता है, वह सेंस बताता है, और दिल है जो हमारे किसी की कनेक्शन को कनेक्ट करता है, वह दिल जो कनेक्शन करता है किसके साथ, मन के साथ, मन जो है आईज के साथ मैसेज भेजता है, इसी कारण हम किसी चीज को जल्दी से जल्दी रिसीव कर पाते हैं, समझ के फिर रिप्लाई करते हैं, वह तो माइंड, जब हम किसी चीज को सुनेंगे तो हमारा आईज उसमें कोई काम करेगा क्या, नहीं करेगा, वहां दिल और दिमाग का काम होता है, ठीक है। उसके बाद क्या, सीइंग हो गया, ये आपका पार्ट्स हो गया, ठीक है गाइस, फिर इसी में हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या, वेरियस वेज ऑफ कम्युनिकेशन एंड यूजेस, अब आप देखेंगे हम फर्स्ट चलेंगे, पहला वे क्या है, रीडिंग में क्या है, आपको सबसे ज्यादा क्या है कम्युनिकेशन में, लिसनिंग का काम कर, लिसनिंग काम करता है, जब हम किसी चीज को रिसीवर, अगर किसी चीज को अगर रिसीव नहीं करेगा तो वह सेंडर के पास नहीं पहुंचा पाएगा। तो फर्स्टली यू मस्ट लिसन इम्फैटिकली एंड लुक आईज टू इंटरेक्ट विद अदर्स, टू अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग एंड मेक अंडरस्टैंड अदर फीलिंग, ओके। उसके बाद क्या, आपका स्पीकिंग 30% काम करता है, और राइटिंग है जो 9% काम करता है, और रीडिंग 16% काम करता है। तो सबसे ज्यादा लिसनिंग और स्पीकिंग काम करता है, क्या चीज के लिए, क्या चीज के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, इंटरेक्शन के लिए। राइटिंग और रीडिंग को आप छोड़ भी दे तो डजंट मैटर, बट यू बोथ गो विद, ठीक है। आपको स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों का, जैसे हम स्पीकिंग करेंगे तो हमारा टोन, हमारे वॉइस का जो गैप है वह बहुत मायने रखता है, हम बहुत जल्द जल्द बोलते चले जाएंगे और सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा, तो हम अच्छा स्पीकर नहीं है। स्पीकर का मतलब कि आप सामने वाले को समझा रहे हैं तो सामने वाले को अच्छे से समझ में आना चाहिए, मतलब बीच में, वर्ड्स के बीच में गैप होना चाहिए और सामने वाले पे ध्यान देते रहना चाहिए कि सामने वाला समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, ठीक है।
जैसे मोदी जी को सबसे ग्रेट स्पीकर कहा जाता है, वाई? बिकॉज वह लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो वह वर्ड्स को और लोगों के बीच के गैपिंग को भी देखते रहते हैं। इसी कारण लोगों को लगता है कि मोदी जो है हमारे बगल में बैठे हैं, इसी कारण उनके फीलिंग को ज़्यादा से ज़्यादा वो समझा पाते हैं। अच्छे स्पीकर की कहा वे है। इससे भी अच्छा स्पीकर कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, जिसके बारे में कहा जाता है, क्योंकि वो बोलते थे ऐसा होता है, उसके बाद फिर लाइन बोलेंगे, मतलब आप सुनते तो वो आपका स्पीच उनका याद हो जाता है, मतलब इतना मतलब अच्छा स्पीक करते थे, उनका टोन और उसके वर्ड्स के बीच में इतना अच्छा स्मूथली कॉम्बिनेशन था कि कह नहीं सकते। उसके बाद क्या है, सेकंड भी हम अगर चार काम करेंगे तो आप देखिए वो क्या है, सबसे ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज की बात है। अगर हम अगर पर्सनालिटी स्किल की बात अगर चल जाएगी तो बॉडी लैंग्वेज 55% मायने रखता है। हम क्या पहने हैं ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन हम कैसे खड़ा हैं, कैसे बैठे हैं, क्या हमारे खड़ा होने का बैठने का वे है, तरीका है, वह हमारा बॉडी लैंग्वेज मेन काम करता है। उसके बाद क्या, 38% पैरालिंगुइस्टिक, मतलब क्या होता है, रिसीवर, मतलब क्या कि जो हम किसी को रिसीव कराना चाहते हैं, कोई चीज़ हमको रिसीव करेगा बॉडी लैंग्वेज का या लिसनिंग का स्पीकिंग का, तो वह मेन रहता है। और राइटिंग मात्र 7% है, ठीक है, और इसमें उसमें 9% रहता है कम्युनिकेशन में, लेकिन पर्सनालिटी में क्या हो जाता है, यह 7% हो जाता है, ठीक है। तो गाइस यू अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर लैंग्वेज के माध्यम से समझ सकते हैं। इनपुट हम लोग डालते हैं तो प्रोसेसिंग हो गया, आइडिया या फीलिंग हो गया। हम यहाँ पे हमारा टोन, जो हम लोग वॉइस टोन है, वह निर्भर करता है कि हम अगर क्या है, सेंडर हैं, क्या है, हम सेंडर हैं, तो रिसीवर को क्या चाहिए, अच्छा टोन चाहिए, तभी तो वह रिसीव कर पाएगा अच्छे वे में और अच्छे से समझ पाएगा, अंडरस्टैंड अच्छा से करेगा तो मेक अंडरस्टैंड कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो हमारे हम जब भी सेंडर हैं तो वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्पीक समथिंग विथ गैप और स्मूथली टू अंडरस्टैंड अदर्स एंड दैट मेक यू अंडरस्टैंड स्मूथली ऑल्सो, ओके। तो आज के लिए फर्स्ट वीडियो में इतना ही, हम नेक्स्ट डे आएंगे तो इसकी कम्युनिकेशन स्किल के, ये आपका क्लास 1 है, हम नेक्स्ट आएंगे तो क्लास 2 पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।